हेलो गाइस, तो आज हम अपने नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं जिसके अंदर हम बिल्ट इन HTML हेल्पर्स को जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था उसके अंदर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो आज के हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि क्या स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली टाइप व्यू क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रांगली टाइप व्यूज एग्जाम्पल देखेंगे HTML हेल्पर्स की, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स फोर। आप यहाँ पर एक चीज़ अगर नोटिस करें तो हमने अभी करे थे कौन से बिल्ट इन HTML, जिसमें स्टैंडर्ड HTML हेल्पर्स को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स था। तो जब ये फोर लग जाता है ना, तो ये फोर आपको ये बता रहा होता है कि ये एक स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने कंट्रोलर और व्यू के दरमियान डेटा किस तरह से पास करते हैं और ये किस तरह से ये जो प्रोसीजर होता है ये चल रहा होता है। तो सबसे पहले स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स को डिस्कस करेंगे, तो आइए मूव करते हैं आगे। तो स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स हैं क्या हमारे पास, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, मॉडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम मॉडल्स के अंदर क्या बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के साथ जब हमारा व्यू अटैच होता है, मिलता है, ठीक है, तो मॉडल प्रॉपर्टीज़ और व्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है स्ट्रांगली टाइप व्यू। स्ट्रांगली टाइप व्यू के अंदर ही हम यूज़ करते हैं स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड्स, जिनकी मदद से हम प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करवाते हैं डिफरेंट मेथड के अगेंस्ट में। किस तरह से करते हैं वो अभी आगे देखेंगे। तो इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि MVC फ्रेमवर्क एनेबल्स दीज HTML हेल्पर मेथड्स टू डायरेक्टली एसोसिएट विथ मॉडल प्रॉपर्टीज़ इन अ स्ट्रांगली टाइप व्यू। बेसिकली जितने भी हमें यूज़ करने होंगे क्या HTML हेल्पर मेथड, जो कि स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड है, उनके लिए हमें एक रिक्वायर्ड होगा स्ट्रांगली टाइप व्यू। स्ट्रांगली टाइप व्यू के ऊपर ही हम ये स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर्स को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है कि मॉडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट में हम मेथड्स कॉल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो आगे देखते हैं हम। तो किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये जो HTML हेल्पर मेथड्स जो होते हैं ये वाले हमारे पास कौन से स्ट्रांगली टाइप, उनके अंदर हम लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि क्या चीज़ है। बेसिकली एक एक्सप्रेशन होती है जिसकी मदद से हम उस प्रॉपर्टी को एसोसिएट करवा रहे होते हैं उस मेथड के साथ। किस तरह से, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर ये जो नीचे आपके पास लिखा हुआ रहा है HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर मॉडल। अब ये मॉडल क्या है, ये मॉडल उस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने मॉडल क्रिएट किया है। और यहाँ पर ये जो आपके पास साइन लिखा है इक्वल्स टू ग्रेटर देन और उसके बाद मॉडल डॉट नेम। अब ये मॉडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मॉडल को, और ये जो नेम है ये उसकी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रांगली टाइप व्यूज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स में इनको यूज़ करेंगे। तो एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम, न्यू प्रोजेक्ट, स्ट्रांगली टाइप व्यू, MVC, ओके। तो प्रोजेक्ट हमारे पास लोड हो चुका है। सबसे पहले जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, एक कंट्रोलर बना लेते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, इसको हम होम का ही नाम दे देते हैं यहाँ पर, होम कंट्रोलर। और यहाँ पर आकर कंट्रोलर बना चुके हैं। अब इसी तरह से एक मॉडल क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट करेंगे। तो एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर, मॉडल क्लास, और इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर आके उसके अगेंस्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, लेट्स सपोज पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, ठीक है, और पब्लिक स्ट्रिंग हम इसका ले लेते हैं सिटी, और इसके अगेंस्ट में एक हम
प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करवा लेते हैं कि इज स्टूडेंट एक्टिव, तो बूल प्रॉपर्टी रख लेते हैं इज एक्टिव, तो गेट एंड सेट, ठीक है, गेट सेट करवा देते हैं इसको और सेव कर देते हैं। तो हमने एक मॉडल प्रॉपर्टी लिख लिया। अब किस तरह से हम इन मॉडल प्रॉपर्टीज को बाइंड करवाएंगे अपने व्यूज में और किस तरह से यूज़ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक व्यू चाहिएगा। तो हम एक व्यू बना लेते हैं और इसको अभी एम्प्टी छोड़ते हैं और खाली व्यू हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब ये व्यू हमारे पास बन चुका है और इसके बाद मैं इस व्यू को अभी खाली छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर आके हम कुछ कोड लिखेंगे। तो जब भी हमें मॉडल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है तो हमें मॉडल प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पर अपने कोड के अंदर यहाँ पर उसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम अपने व्यू को स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, एट द रेट यूजिंग, और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू डॉट मॉडल्स, ठीक है, और यहाँ पर आके एट द रेट मॉडल, और कौन सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट का मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, बल्कि यहाँ पर एज इट इज, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एरर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अब हम लिखेंगे अपने HTML हेल्पर मेथड्स, स्ट्रॉन्गली टाइप जो है उनको गेट करेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि हमारे पास था HTML.TextBox4, तो टेक्स्ट बॉक्स 4, और उसके बाद अब ये जो मॉडल आपने दिया था, अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर जो वेरिएबल आप एक्सप्रेशन में, लैम्डा एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज़ करना चाहें वो किसी भी नाम से आप गेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप STD बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए बनाए, तो आप STD नाम रख लें और फिर STT.2 लिखेंगे, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने वहाँ उसके मॉडल में डिफ़ाइन की है वो यहाँ पर आपको गेट हो रही होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम गेट हो रहा है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, बेसिकली इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स हमें बनाकर दे देगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सेकंड हमारे पास क्या था, सिटी, और सिमिलरली अब जो हमारे पास इज एक्टिव की फील्ड थी वो थी चेक बॉक्स, तो चेक जो थी वो बूलियन थी, तो इसके लिए हम चेक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स 4, और यहाँ पर आके प्रॉपर्टी को हम इनिशलाइज करवा लेते हैं इज एक्टिव। तो अभी अगर हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि होगा क्या, हमारे पास एक फॉर्म बनकर आएगा और उस फॉर्म के अंदर उस प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में हमारे पास एक व्यू जनरेट हो जाएगा। तो आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं और एक हमारे पास चेक बॉक्स आ रहा है। अगर हम इसके इंस्पेक्ट में जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जाकर देखते हैं, तो आप देखें इनपुट आईडी नेम, इनपुट आईडी सिटी सिटी, और यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर डेटा वेल, और ये जो चीज़ें आ रही है बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके पास डेटा वैलिडेशन के काम आती है जो हम आगे सीखेंगे आगे जाके। फिलहाल आप यहाँ पर देखें कि इसकी आईडी और इसका नेम क्या है, इज़ एक्टिव। अब ये चीज़ें इसको कहाँ से मिल रही हैं, जो हमने प्रॉपर्टी का ये नाम दिया था ना, तो ये यहाँ से इसको गेट कर रहा है कि इसका जो आईडी है और इसका जो नेम है वो क्या है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी के नेम से उसको एसोसिएट कर रहा है। अब इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और HTML हेल्पर मेथड होता है कि हम इसके अगेंस्ट में चाहते हैं कि हम वो भी प्रिंट करवाएं, क्या प्रिंट करवाएं, इसका लेबल, यानी इसके साथ हमारे पास कुछ लेबल भी प्रिंट हो रहा हो, इसका हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम आपके पास क्या, हम इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लेना चाहते हैं यूज़र से, तो हम यहाँ पे HTML एक और हमारे पास मिलता है यहाँ पर, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, HTML.label4, लेबल फोर, और यहाँ पर हमने बोल दिया किसके लिए हम लेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम STD और STD.name के लिए हम यहाँ पर एसोसिएट करना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम BR लगा देते हैं और इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं और सबके लिए ये क्रिएट कर देते हैं लेबल फोर, और इसके लिए भी लेबल फोर, और ये लेबल फोर आएगा इस एक्टिव के लिए, और यहाँ पर जो ये सिटी रहने देते हैं, और यहाँ पर जो लेबल फोर आएगा वो आएगा सिटी के लिए, और यहाँ पर हम BR का टिक लगा देते हैं, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अब आप देखें
हमारे पास ये जो है ये कहाँ से गेट हो रहे हैं, ये बेसिकली उस मॉडल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में वैल्यू जो है गेट हो रही है, और ये लेबल हमें प्रिंट कर रहा है। अगर हम इसके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर कि ये लेबल क्रिएट किया, और लेबल पे भी उसने फोर, ठीक है, ये फोर कहाँ से गेट कर रहा है, वहाँ से, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का नाम है वो हमें यहाँ पर ला कर प्रिंट कर रहा है। अब बेसिकली हमने ये तो देख लिया है कि किस तरह से ये हम एचटीएमएल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में हेल्पर मेथड बनाकर अपने फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अब अगर हमें ये डेटा पास करना है, अगर हमें अपने व्यू से या कंट्रोलर से डेटा पास करना है, तो हम वो डेटा कैसे पास करेंगे, या हमें अगर अपने कंट्रोलर से व्यू को डेटा पास करना है तो हम किस तरह से पास करेंगे। हम इस तरह से पास कर सकते हैं कि हम इधर स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट बना लें, स्टूडेंट, पर उसको स्टूडेंट को गेट करने के लिए हमें यहाँ पर मॉडल्स को एसोसिएट कराना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम स्ट्रॉन्गली टाइप जो हमारा व्यू है उसके मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकें। तो हमारे पास स्टूडेंट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं एसटीडी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर आकर बनाने के बाद हम यहाँ पर भी वैल्यूज़ की पास कर सकते हैं डायरेक्ट। लाइक हमें नेम की वैल्यू पास करनी है तो हम बोल देते हैं असद, सद कॉमा, सेकंड हमारे पास फील्ड सिटी, सिटी हम पास कर रहे हैं हैदराबाद, और कॉमा, और इज एक्टिव से हम पास कर रहे हैं ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर आके क्लोज करते हैं, और टर्मिनेट करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो यहाँ पास कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो हमने डेटा यहाँ पर लिखा है, ये डेटा ये बेसिकली हमारे व्यू पे रेंडर हो जाएगा उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले से ही हमारे पास उस कंट्रोलर से डेटा फैच होकर आ रहा होगा और इन प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी शो हो रहा होगा। तो आप देखें यहाँ पर असद रिसीव हुआ है, यहाँ पर हमारे पास हैदराबाद रिसीव हुआ है, यहाँ पर एक्टिव रिसीव हुआ है। अगर मैं इसके इंस्पेक्ट में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब इनके जो वैल्यू के एट्रीब्यूट हैं उनके अंदर ये वैल्यू यहाँ पर फैच हो गई है, ठीक है। ये तो हो गया कि हमारे पास अगर कंट्रोलर से डेटा आना हो। लेकिन अगर हम मोस्टली हमारे पास एप्लीकेशंस में होता है क्या है कि हम व्यू से जो है फॉर्म्स बनाते हैं व्यू के ऊपर, और वहाँ से डेटा पास करते हैं अपनी एप्लीकेशन को अपने कंट्रोलर को, तो वो किस तरह से पास करते हैं। उसको पास करने के दो तरीके हैं, हम प्रिमिटिव वैल्यूज़ की मदद से भी पास कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम बाइंडिंग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं ना, एज अ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, दोनों तरीके अभी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन, जब हमारा फर्स्ट मेथड रन होता है यानी एक्शन मेथड, जो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास उसके ऊपर एक्शन वर्ब यूज़ होता है वो होता है गेट, यानी आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो गेट रिक्वेस्ट होती है। लेकिन जब आपके पास बटन पे क्लिक होता है यानी सबमिट होता है फॉर्म वगैरह, तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम काम करेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट पे देखेंगे कि डेटा किस तरह से हमें रिसीव हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमें अपने व्यू में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, और तो हम अपने व्यू के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और यहाँ पर आएंगे यूजिंग, और यूजिंग के बाद हमारे पास HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक है, अपना फॉर्म स्टार्ट करेंगे, और ये सारे जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं इनको हम रख देंगे अपने फॉर्म के अंदर। और लास्टली हमें एक चाहिए होगा बटन, सबमिट बटन, जिसके ऊपर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो इनपुट टाइप हम कर देते हैं सबमिट, और इसकी वैल्यू दे देते हैं लेट सपोज क्लिक, क्लिक मी, ठीक है। तो सेव करते हैं, अभी देखें एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास फॉर्म एज इट इज़ लोड हो जाएगा, और साथ के साथ हमारे पास एक बटन यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब हम कुछ डेटा पास करें तो वो डेटा हमारे पास एज अ रिक्वेस्ट जो है पोस्ट रिक्वेस्ट में वहाँ पर रिसीव हो। अब इसको रिसीव करने के दो तरीके होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वेस्ट आती है वो गेट रिक्वेस्ट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो एज इट इज़ इस मेथड को लोड करना पड़ेगा, इसी मेथड को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और इसके ऊपर हमें एक एक्शन वर्ब यूज़ करना पड़ेगा HTTP पोस्ट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास पेज लोड होगा तो ये जो गेट रिक्वेस्ट वाला मेथड है ये रन होगा, और जब बटन पे क्लिक होगा तो बटन क्लिक पे
ये जो आपके पास HTTP पोस्ट वाली रिक्वेस्ट है ये जनरेट होगी। अब यहाँ पर आपके पास डेटा गेट करने के दो तरीके हैं, आप प्रिमिटिव वैल्यू से भी बाइंड कर सकते हैं डेटा को, और आप क्या कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट भी पास कर लेते हो। पहले देखते हैं ये प्रिमिटिव वैल्यूज क्या है, यानी आपके पास क्या क्या था, स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सिमिलरली स्ट्रिंग सिटी और कॉमा बूल इज एक्टिव, ठीक है। तो सेव करते हैं और देखें मैं यहाँ पर ये चेक लगा रहा हूँ, और अब इसको हम रन करते हैं कोड को। तो देखें यहाँ पर हमारे पास लोड हो चुका है, मैं यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ असद, और यहाँ पर सिटी में दे देते हैं HYD और इसको देते हैं एक्टिव, क्लिक करते हैं। तो देखें डिबगिंग स्टार्ट हुई है। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि जैसे ही मैंने यहाँ पर गेट किया है, देखिए यहाँ पर नेम में यानी उस मॉडल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, प्रिमिटिव वैल्यूज़ बनाई है, यानी यहाँ पर वो वेरिएबल्स कॉल करवाएं। तो नेम में मुझे क्या रिसीव हो गया, असद रिसीव हो गया। सिमिलरली सिटी में मुझे क्या रिसीव हो गया, रिसीव हो गया। और सिमिलरली बूलियन वैल्यू में मुझे क्या रिसीव हुआ है, ट्रू रिसीव हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक वे कि किस तरह से हम प्रिमिटिव वैल्यूज की मदद से डेटा गेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगला तरीका वो है, हम एज एन ऑब्जेक्ट भी डेटा को गेट कर सकते हैं। तो एज एन ऑब्जेक्ट करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा STD, और अब क्या होगा कि अब वो जो सारा डेटा है वो खुद ब खुद इस ऑब्जेक्ट में आके हमें रिसीव हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं लोड करके। यहाँ पर मैं कुछ डेटा पास करता हूँ और इसको देते हैं कराची, और इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूँ, क्लिक नहीं करता हूँ। तो अब देखें पहले क्या हुआ था, अगर अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखें वो जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर रिसीव हो गई हैं। तो ये क्या है कि हम दो तरीके से यानी दो बेस से जो है वो डेटा गेट कर सकते हैं, व्यू से कंट्रोलर में एज एन प्रिमिटिव वैल्यू और एज एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रिमिटिव वैल्यू से डेटा गेट करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ये सिनेरियो यूज़ करते हैं कि एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट जो हम बना लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं उस क्लास का, और उसमें ये वैल्यूज़ रिट्रीव कर लेते हैं और वन बाय वन उनको फिर हम अपने कंट्रोलर की लॉजिक के अंदर गेट कर लेते हैं। तो ये तो इसी लेक्चर में हमने आज डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से डेटा पास कर सकते हैं और किस तरह से स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज को और स्ट्रॉन्गली टाइप HTML हेल्पर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास से और भी HTML स्ट्रॉन्गली टाइप हेल्पर मेथड्स मौजूद हैं, आप उनको अपने पास ट्राई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप उसको अपने पास से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी उनमें इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।